नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। ये वैकेंसी आई है, गवर्नमेंट कॉलेज से वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट पदों पे जो है यहाँ पर वैकेंसी निकली है। आप चाहे किसी भी स्टेट से है, ऑल इंडिया लेवल की ये जॉब है। सैलरी यहाँ पर अगर हम बात करें तो 75,000 प्लस, 75,000 से लेकर लगभग 80,000 जो है पर मंथ सैलरी आपकी बनने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन और महिला, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की है, उनसे यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस जो है नहीं ली जा रही है। तो आप आवेदन जरूर करें। मल्टीपल सब्जेक्ट में जो है यहाँ पर टोटल पद 93 पद जो है परमानेंट पदों पे यहाँ पर वैकेंसी है। डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारा फेसबुक पेज शिक्षा कैरियर जॉब्स एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले ताकि आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ वगैरह मिलती रहे। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज जो है असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाइड साइकोलॉजी में 3 वैकेंसी है, कॉमर्स में 5 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर 7 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में 10 वैकेंसी है, इंग्लिश में 13 वैकेंसी है, एनवायरमेंटल साइंस में 3 वैकेंसी है, होम साइंस में 1 वैकेंसी है। साथ ही साथ जियोग्राफी में 8 वैकेंसी है, हिंदी में भी जो है यहाँ पर वैकेंसी है 10, हिस्ट्री में 3 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 7 वैकेंसी है, म्यूजिक में यहाँ पर 3 वैकेंसी है, फिलोसफी में 9 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 3 वैकेंसी है, संस्कृत में 6 वैकेंसी है, सोशियोलॉजी में 2 वैकेंसी है और टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 93 जो है यहाँ पर टोटल पद है। अच्छा, ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। जिन कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो है पोस्ट नहीं है, वो अगर जनरल कैटेगरी में पोस्ट है तो वो जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं एज ए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट। अच्छा, कहाँ से जो है ये वैकेंसी आई है देख लेते हैं। ये जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी आई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक कंस्टिट्यूट कॉलेज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन्स। तो यहाँ पे जो है, जब आप सेकेंड ऑप्शन में आएंगे, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर एंड गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी जिसमें डिटेल दी गई है। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन करना है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर आप कर पाएंगे। साथ ही साथ जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो ऑफिशियल जो वेब पेज है colrec.du.ac.in पर जाकर आपको आवेदन करना है ऑनलाइन। लेवल टेस्ट सेट एंड 7th पे कमीशन, मतलब ये है कि आपको यहाँ पर एज पर जो 57,700 जो आपकी बेसिक सैलरी है प्लस जो भी भत्ते हैं, चाहे वो महंगाई भत्ता है, हाउस रेंट अलाउंस है, क्योंकि दिल्ली एक क्लास ए सिटी है तो यहाँ पर एचआरए काफ़ी ज़्यादा बनता है कंपेरेबली टू अदर सिटीज़, तो यहाँ पे आपका जो है काफ़ी अच्छी सैलरी आपकी यहाँ पर बनने वाली है। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, ये वैकेंसी की डिटेल मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है कॉलेज की, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट होने में थोड़ा समय लग सकता है। अच्छा, अंतिम तिथि यहाँ पर आवेदन करने की जो है यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर जो है दी गई है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो अंतिम तिथि है यहाँ पर आवेदन करने की, वो 6 मई 2022 तक जो है आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ, एप्लीकेशन फी जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपए है, जबकि एससी एसटी दिव्यांगजन और वुमेन्स के एप्लीकेंट्स चाहे किसी भी कैटेगरी के कोई फीस यहाँ पर नहीं है। रिजर्वेशन जो है आपको यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अनुसार जो है यहाँ पर मिलने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ अगर आप जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, 50% जो है क्राइटेरिया होता है एससी एसटी दिव्यांगजन और ओबीसी जो नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट्स है, उसके साथ आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए यूजीसी और सीएसआईआर नेट, और या आपके पास अगर नेट नहीं है तो पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सो मैनेजमेंट के लिए बात करें तो फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन मैनेज बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, या 2 ईयर्स फुल पीजीडीएम जो है आपके पास होना चाहिए। एंड साथ ही साथ जो है यहाँ पर अगर फर्स्ट क्लास आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, तब आप यहाँ पे जो है आवेदन कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। उसके साथ आपका नेट या पीएचडी आपका होना चाहिए, तो यही कैटेगरी क्राइटेरिया जो है यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, अब नाउ सिलेक्शन आपका किस प्रकार से होगा, तो जो सिलेक्शन है आपका यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, शॉर्ट लिस्ट आपको किया जाएगा, कॉलेज का जो शॉर्ट लिस्टिंग का गाइडलाइंस है यूजीसी का वही फॉलो किया जाएगा, जिसमें आपकी परसेंटेज के आधार पर अंक आपको दिए जाएंगे। आउट ऑफ 100 आपका जो है एकेडमिक स्कोर जो बनेगा 84 अंकों का बनेगा, 6 अंकों का रिसर्च पब्लिकेशन का और टीचिंग एक्सपीरियंस मैक्सिमम 10, तो टोटल 100 अंकों में से आपको जो है इस लिस्ट के अनुसार परसेंटेज के अनुसार ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल अगर है, पीएचडी वालों को एक्स्ट्रा 25 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे, नेट भी 11 पे 10 अंक,
इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के आधार पर जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन आपका होने वाला है। ये कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस है, अगर आप अपने डाउट्स दूर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही साथ अपनी पीडीएफ का लिंक जो है मैं या पीडीएफ अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।